गुड इवनिंग भरत जी, वेलकम टू अमूल फेसबुक लाइव। हेलो मिस्टर अंसारी, जेनिफर जी, मिस गीत, सो गुड टू सी यू। कैसी हो आप? सचिन जी हाय, अंकिता जी, मिस्टर पीके, अर्चना अग्रवाल जी, नमस्ते, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। राकेश जी, सो वेलकम टू अमूल फेसबुक लाइव। मेरा नाम मधु नहाटा है एंड आई एम फ्रॉम ओवनसप। और आज मैं मिडनाइट स्नैकिंग सेक्शन में आई हूँ एट 11 PM आप लोगों से मिलने एंड टू शो यू अ वंडरफुल एंड अ वेरी इजी रेसिपी। तो जो आज की हम रेसिपी करने जा रहे हैं, आपने शायद मोस्ट लाइकली खाई होगी और अपने टेस्ट से इसे बनाई भी होगी। आज मैं इसे आपको बिल्कुल टिपिकल महाराष्ट्रियन तरीके से बताने जा रही हूँ। इट इज़ कॉल्ड महाराष्ट्रियन कोशिंबीर। सो व्हाट इज़ कोशिंबीर? इट इज़ वेरी सिंपल, इट इज़ अ सैलेड। सो एक सैलेड है जिसे महाराष्ट्रियन लैंग्वेज या मराठी में कोशिंबीर कहा जाता है। एंड उसको हम कर्ड के साथ बनाएंगे, अमूल दही के साथ बनाएंगे, अमूल दही जो अमूल दूध से बनाया गया है घर का। ओके, एंड बहुत इजी है। और ये कोई भी एक महाराष्ट्रियन थाली अगर आप खाएंगे तो उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ये कोशिंबीर। जैसे लास्ट हमने किया था गुजराती कढ़ी, जो गुजराती थाली का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट होता है, वैसे ही महाराष्ट्रियन थाली का एक इंटीग्रल पार्ट होता है कोशिंबीर। ओके, सो शुरू करते हैं। ये वाली रेसिपी बहुत इजी है, इंग्रेडिएंट्स सबके घर में अवेलेबल रहते हैं हमेशा ही इसके, और कुछ भी इसमें फैंसी नहीं है, लेकिन टेस्ट बहुत लाजवाब है। और अगर आप इसे एक बार खाएंगे तो बार बार बनाएंगे इसे, एंड आई एम श्योर ज़रूर ट्राई किया होगा। पर आज मेरे तरीका मैं आपको बताती हूँ और आप उसे ट्राई करके देखिएगा। इनकेस आपको पसंद आता है तो यू कैन DM मी ऑन ओवनसप बाय मधु इंस्टाग्राम पे, या आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकते हैं। लेटर ऑन दिस वीडियो विल बी अवेलेबल राइट आफ्टर द लाइव इज ओवर। सो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये रेसिपी। वंस अगेन वेलकम एवरीवन टू अमूल फेसबुक लाइव। माय नेम इज़ मधु नहाटा और मैं ओवनसप से हूँ। ओके, एंड थैंक यू अमूल फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी कि मैं आप लोग के सामने कुछ ईजी रेसिपीज लेकर आ पाती हूँ टाइम एंड अगेन। सो आई थिंक वी शुड बिगिन नाउ। Let me just adjust my camera. Okay, sorry about that noise. I think this is properly visible. Okay. So, जैसे मैंने बताया कि कोशिंबीर का मतलब होता है सैलेड। सो इसमें हम सैलेड के सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे, लेकिन हम इसमें कोई भी फैंसी वेजिटेबल नहीं यूज़ करने वाले या फ्रूट नहीं यूज़ करने वाले। हम यूज़ करेंगे बहुत ही बेसिक वेजिटेबल्स। ऐसे नहीं इसमें लेटस या स्प्रिंग अनियंस या यू नो टाइप्स ऑफ बेल पेपर्स या इस टाइप की कोई भी फैंसी चीज़ नहीं है। बहुत ही बेसिक वेजिटेबल्स है जो बहुत ही न्यूट्रिशियस होते हैं। ओके, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि ये दही बेस्ड है, तो मैंने अमूल मिल्क से दही घर में ही बना के रखा है। हम शुरुआत करेंगे हमारी ड्रेसिंग से। ओके, तो पहले हम थोड़ा सा दही ले लेते हैं इसमें। ओके, अमूल दही मैंने घर में बनाया है। ओके, अमूल दूध से टोन मिल्क मैंने यूज़ किया है। आपके घर में जो भी टाइप का अमूल मिल्क आता हो, रिच या वट एवर इट इज़, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, अमूल गोल्ड एट्सेट्रा। सो मैं अबाउट यहाँ पे 5 tablespoons ऑफ अमूल दही ले रही हूँ, अमूल मिल्क से बना हुआ दही ले रही हूँ। ये दही है। ओके, काफ़ी गाढ़ा बनता है अगर आप प्रॉपरली बॉईल करें पहले दूध को, फिर ठंडा करके उसमें थोड़ा सा स्टार्टर दही अगर आप डालते हैं तो ये बहुत ही गाढ़ा बनता है। आई होप दिस इज़ विजिबल। मैं और क्लोज ले जाती हूँ। या परफेक्ट। सो हमने 5 tablespoons ऑफ दही लिया है।
ओके अब मैं इसको विस्क करूँगी प्रॉपरली सो दैट एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी हमें मिल जाए. ओके जिन्होंने भी अभी ज्वाइन किया है मैं उन्हें बता दूँ, हम बना रहे हैं महाराष्ट्रियन डिश जिसका नाम है कोशिंबीर, मींस अ सैलेड. ये दही बेस्ड हम बनाने जा रहे हैं इसे. ओके इसको बिल्कुल स्मूथ कर लेना है हमें जिससे कि इसमें लम्ब्स ना रहे. आपके पास ऐसा विस्क हो या रवी हो जिससे हम घर में दही या मक्खन बनाते हैं, दही घोटते हैं या मक्खन निकालने के लिए जो यूज़ होता है ना, या आप स्पून से भी कर सकते हैं. ओके तो इसको हम प्रॉपरली विस्क कर लेंगे. अब हम इस ड्रेसिंग की तैयारी कर लेंगे. तो इस ड्रेसिंग में हम डालेंगे सबसे पहले सॉल्ट, रेगुलर सॉल्ट मैं इसमें ऐड करूँगी. सो सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट. तो सबसे पहली चीज हम डाल रहे हैं इसमें सॉल्ट. सॉल्ट के बाद हम इसमें डालेंगे भुना हुआ जीरा. ओके घर में हमारे सभी के रहते हैं जो हम रायता या छाछ में डालते हैं, सो अबाउट हाफ अ टीस्पून ऑफ भुना हुआ जीरा. फिर मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा काला नमक, वेरी लिटिल, 1/4 टीस्पून ऑफ काला नमक मैं यहाँ पे डाल रही हूँ. एंड देन हम इसमें डालेंगे शुगर, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. शुगर जो है सभी वेजिटेबल्स और दही का जो टेस्ट है उसको बैलेंस करेगा और एक बहुत ही स्वीट सा इसको टेस्ट देगा. सो मैं पीसी हुई शक्कर डाल रही हूँ, आप चाहें तो रेगुलर शुगर भी डाल सकते हैं. सो आई एम एडिंग अबाउट 1.5 टीस्पून्स ऑफ पीसी हुई शक्कर इन दिस. और इसे थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए आप चाहें तो इसमें ग्रीन चिलीज भी डाल सकते हैं, बट आई लाइक फ्रेशली ग्राउंड ब्लैक पेपर. ओके सो मैं इसमें ब्लैक पेपर डाल रही हूँ. ओके अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप इसमें डाल सकते हैं. अब हम इसे प्रॉपरली विस्क करेंगे और हमारी ड्रेसिंग को तैयार करेंगे. सो हमने लिया अमूल दूध से बना हुआ दही, आप अमूल मस्ती दही भी ले सकते हैं. उसमें हमने डाला सॉल्ट, काला नमक, ब्लैक पेपर, भुना हुआ जीरा और शुगर 1.5 टीस्पून्स. सारे प्रोपोर्शंस आप लेटर ऑन देख सकते हैं. इसे विस्क करना बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि इसकी जो स्मूथनेस है वो बनी रहे. सो इसे मैं विस्क कर रही हूँ एंड दिस इज़ डन. इस टाइप की कंसिस्टेंसी, हमने अभी तक इसमें पानी नहीं डाला है. ओके तो ये इस टाइप का हमारा ड्रेसिंग तैयार हो गया है. अब हम इसमें दूसरे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे विच आर वेरी सिंपल. लेट मी सी किस किस ने हमें ज्वाइन किया है अभी तक एंड इफ देर आर एनी क्वेश्चंस. शिवांगी जी, पूनम, रचना वर्तक जी, SRK जी, प्रदीप जी, देवी प्रसाद जी, व्हाट्स कुकिंग शेफ यू आस्किंग. हम बना रहे हैं महाराष्ट्रियन कोशिंबीर टुडे. श्यामल जी, मिस गीत, यस रमेश जी, आई एम डूइंग फाइन, थैंक यू वेरी मच, आई होप द सेम फॉर यू. विनीत जी, सो इफ देर आर एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस यू कैन, मीर जी गुड इवनिंग, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग द रेसिपी यू कैन आस्क एंड अदरवाइज यू कैन चेक आउट दिस रेसिपी अगेन ऑल्सो. सो हम इसमें सबसे पहले डालेंगे, अब हम डालेंगे वेजिटेबल्स. हमारी ड्रेसिंग तैयार हो गई, अब हमें डालना है इसमें वेजिटेबल्स. आई विल ब्रिंग दिस मोर क्लोजर. ओके हम डालेंगे सबसे पहले इसमें अनियंस. ओके सो मैं यहाँ पे ले रही हूँ अबाउट हाफ अनियन. एक छोटा आप अनियन ले सकते हैं. ओके लाइक स्मॉल अनियन आप ले लीजिए. फॉर दिस प्रपोर्शन 5 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे दही लिया था तो मैं एक छोटा अनियन डाइस करके यहाँ पे ले रही हूँ. फिर मैं इसमें डालूँगी टमेटोज. ओके सो आई विल यूज अबाउट, आपको सिर्फ एक छोटा टमेटो डालना है इसमें.
और फिर जो मेन इंग्रेडिएंट होता है यानी मेन वेजिटेबल जो कोशिंबीर का होता है, महाराष्ट्रियन कोशिंबीर का, वो है ककड़ी, ओके, क्यूकम्बर। सो मैं वन ककड़ी, वन फुल ककड़ी यहाँ पे डाल रही हूँ, ओके, क्यूकम्बर। अब हम इसे मिक्स कर देंगे। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी लेकिन बहुत डिलीशियस है। इसको ज़रूरी नहीं है कि रोटी या खिचड़ी के साथ ही खाया जाए, यू नो, ये तो ऑप्शन है ही आपके पास, लेकिन आप इसको सर्व कर सकते हैं एज अ डिप ऑल्सो, लाइक विथ पीटा चिप्स या यू नो फ्राइज़ के साथ, कोई भी टाइप की चिप्स के साथ, खाकरा के साथ, ये बहुत ही टेस्टी लगता है, ओके। सो इस तरह से हम इसे मिक्स कर देंगे सारे वेजिटेबल्स को इसमें। आप चाहें तो ग्रीन चिलीज भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। अब इसका जो मेन इंग्रेडिएंट होता है, दैट इज़, क्योंकि ये महाराष्ट्रियन डिश है, बिना पीनट्स के महाराष्ट्रियन डिश फिनिश होती नहीं है, इजंट इट। तो हम इसमें डालेंगे यहाँ पे पीनट्स, मैंने सेक कर उन्हें पीस लिया है, ग्राउंड कर लिया है इस तरह से। आप चाहें तो इससे थोड़े मोटे दाने भी रख सकते हैं, बट आई लाइक इट दिस वे। तो मैं इसमें ये अबाउट 2 tablespoons पीनट्स डाल रही हूँ, ग्राउंड नट्स एक्चुअली, जिसको मैंने सेक लिया, फिर छील लिया और फिर इस तरह से ग्राइंड कर लिया है। ये डाल देंगे हम एंड यू विल मिक्स दिस अगेन। सो जिन्होंने भी अभी ज्वाइन किया है उन्हें मैं बता दूँ, हम बना रहे हैं महाराष्ट्रियन कोशिंबीर, विच इज़ अ महाराष्ट्रियन सैलेड, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी महाराष्ट्रियन थाली। एंड आप इसे बनाइए ज़रूर, खाया होगा आपने अपने तरीके से इसे, वेजिटेबल रायता की तरह भी बनाया होगा, बट महाराष्ट्रियन कोशिंबीर हैज़ शुगर ऑल्सो, इट हैज़ ग्राउंडनट्स। ग्राउंडनट्स के बिना कोई भी महाराष्ट्रियन डिश जनरली कंप्लीट नहीं होती है। कोई अगर महाराष्ट्र से देख रहे होंगे तो दे कैन कन्फर्म दिस। एंड अब हम चलते हैं इसको प्लेट करने के प्रोसेस में। सो आर रेसिपी इज़ ऑलमोस्ट कम्प्लीट, वेरी ईजी। आप देखिए अंडर 15-20 मिनट्स आप इसको बना सकते हैं। तो मैं एक प्लेट में इसे डाल दूँगी, आप इसे बाउल्स में सर्व कर सकते हैं। इट इज़ अ वेरी वेरी गुड डिप, यू नो, साइड डिश। आप कबाब्स या जो हरा भरा कबाब बनता है या यू नो आलू टिक्की, उसके साथ भी इसको सर्व करिए, स्टार्टर्स के साथ, यू नो, दिस विल बी ईटन लाइक अ मेन कोर्स, इतना लोगों को पसंद आएगा। और इसके ऊपर गार्निश हम करेंगे अब इसको। सो आप देखिए कितने फटाफट ये डिप बन गई हमारी, या ये महाराष्ट्रियन कोशिंबीर जिसे हम कहते हैं, वो रेडी हो गया है। और आप चाहें तो इसके अंदर ही कोरिएंडर लीव्स डाल सकते हैं, मैं ऊपर से ड्रिजल करूँगी टू गिव इट अ गुड लुक एंड यू नो फॉर गुड प्रेजेंटेशन। मे बी अ लिटिल मोर, सो दिस इज़ एक्चुअली कम्प्लीट नाउ। और ऊपर से मैं थोड़ा सा इसे गार्निश करूँगी विथ हमारा जो भुना हुआ जीरा था उससे। वेरी लिटिल। तो आप देखिए कि हमारी जो रेसिपी है ये तैयार है ऑफ महाराष्ट्रियन कोशिंबीर। मैं आपको क्लोज़र लुक देती हूँ, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है एंड वेरी डिलीशियस और बहुत ही न्यूट्रिशियस ये डिप है, या आप कह सकते हैं जो सैलेड है, ये बहुत ही डिलीशियस है। जो लोग वीगन्स हैं वो दही को स्किप कर सकते हैं और बाकी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। जो मैं एक बार आपको रिकैप देती हूँ इसका, हमने 5 tablespoons दही लिया जो मैंने अमूल दूध से बनाया था, फ्रेश दही यूज़ करिए, खट्टा मत यूज़ करिए इसमें।
एंड उसके अलावा फिर मैंने उसे विप कर लिया एंड देन आई एडेड शुगर अबाउट 1 टीस्पून PCU शुगर मैंने ऐड करी. अगर आप रेगुलर ऐड कर रहे हैं तो ओनली 1 टीस्पून डालिए. एंड मैंने काला नमक डाला, सॉल्ट डाला, टेबल सॉल्ट हमारा नॉर्मल खाने का नमक, सॉल्ट टू टेस्ट, और भुना हुआ जीरा मैंने डाला और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया. ये ड्रेसिंग बना ली. फिर उसमें हमने अनियन, कुकम्बर और टमेटोज़ डाले फाइनली चॉप करे हुए. और फिर इसका जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो है ग्राउंड नट्स, जिसे सेक कर छील कर आप कूट लीजिए और या ग्राइंड कर लीजिए, वो डाल दीजिए. और आप चाहें तो इसके अंदर ब्लैक पेपर या हरी मिर्च, जो भी आपको पसंद हो वो आप डाल सकते हैं, या जितनी हीट आप टॉलरेट कर सकते हो. एंड ऊपर से मैंने इसमें कोरिएंडर लीव से इसे सजाया है विथ लिटिल बिट ऑफ हमारा जीरा पाउडर. सो ये थी हमारी आज की रेसिपी, महाराष्ट्रियन कोशिंबीर. बहुत ही इजी सी रेसिपी जो लेकिन बहुत डिलीशियस है, टिफ़िन में भी बहुत अच्छी लगती है, आप ऑफिस लेके जा सकते हैं. यू नो, जो बीच में छोटी मोटी भूख रहती है उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है. एंड यस, बच्चों को भी आप इसको सैलेड के अंदर फिल करके भी दे सकते हैं. जो कर्ड है थोड़ा सा आप थिक ले लीजिए और इसको एज अ फिलिंग आप दीजिए, या आपके घर पे गेस्ट है, पार्टी है, तो आप इसको स्नैक के एज अ साइड डिश भी दे सकते हैं, लाइक विथ हरा भरा कबाब और विथ यू नो एनीथिंग, चिप्स, पीटा चिप्स, एनीथिंग लाइक दैट. एंड ऑफ कोर्स ये यू नो आपके मील का तो हिस्सा होता ही है, एज अ थाली का हिस्सा पूरा, यू नो. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू अमूल फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. मैं एक बार फिर से ये रेसिपी आपको बताती हूँ. हमने बनाया है आज महाराष्ट्रियन कोशिंबीर. लेट मी गिव यू अ क्लोजर लुक. हियर दिस इज महाराष्ट्रियन कोशिंबीर. आसानी से बन जाता है विद इन मिनट्स एंड बहुत डिलीशियस है. और ये जितना, जैसे अगर आपने सुबह बनाया है और इसको आप शाम को कंज्यूम कर रहे हैं, तो इसका जो टेस्ट है सारे वेजिटेबल्स में ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है और बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी लगने लगता है. तो आप इसको अगर सुबह आपके घर में कोई फंक्शन है या पार्टी है तो आप इसको रात को भी बना के रख सकते हैं. इसका टेस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है बिकॉज शुगर और सॉल्ट का कॉम्बिनेशन टेक्स टाइम टू गेट एब्जॉर्ब्ड इन द वेजिटेबल्स. सो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं आप यूज़ कर सकते हैं और आई एम श्योर आप इसको ट्राई करेंगे. एंड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन ओवन्स अप बाय मधु फॉर सच सिंपल रेसिपीज विद ईजी इंग्रेडिएंट्स. सो थैंक यू अमोल एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग. आई सी यू अगेन ऑन संडे एट 12 PM. थैंक यू एंड गुड बाय.